से हैं अभी एनसीईआरटी एडवांस क्लास में। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, किसी को पसंद भी आता है किसी को नहीं भी आ जाता। टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिसकी शीट मैंने अभी आपको एक फोटोकॉपी दी है, बहुत ध्यान से सुनना है आपने, इसे ओपन कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जितने भी क्वेश्चन आपने आज तक किए ये आपको एक अल्टरनेटिव देगा, ये एक सेकेंड मेथड देगा आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। सपोज आपके पास एक बॉडी रोल कर रही है, एक बॉडी रोल कर रही है, लेट अस सपोज दिस इज अ बॉडी जो रोल कर रही है, दैट इज सेंटर ऑफ मास और दिस इज ओमेगा, ठीक। तो इस तरीके से रोल कर रही है और हमने ये सीखा कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, कोई डाउट इसमें? और जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको दो डायग्राम बना के दिखाए थे जिसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी वी 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 और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, फिर हम वेक्टर सम लेते थे और आपके पास रिजल्ट आता था कि अगर यहाँ वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या थी, टू टाइम्स वी सेंटर ऑफ मास, यहाँ की वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और यहाँ की वेलोसिटी क्या थी, रूट टू टाइम्स वी सेंटर ऑफ मास, और यहाँ की भी रूट टू टाइम वी सेंटर ऑफ मास। ये कहाँ से आया था रिजल्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब इसके अंदर मेरा पहला क्वेश्चन, हमने जो एक्सिस लिया वो क्या लिया, सेंटर ऑफ मास। कई लोग बोलना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम एक्सिस सेंटर ऑफ मास ही लेते हैं। और फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि चलो इसी क्वेश्चन के अंदर ये बताओ कि टोटल एनर्जी कितनी है रोलिंग में, तो आप बोलोगे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और फिर मैंने ये पूछा कि बताओ जो आप आई कैलकुलेट करोगे, आई कैलकुलेशन में आई की वैल्यू क्या पुट करोगे, अगर ये बॉडी डिस्क है तो आप बोलोगे हाफ एम आर स्क्वायर, और डिस्क का जो एक्सिस लोगे वो कहाँ पे ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव है, एक ऑप्शनल टॉपिक है, अगर मैं नहीं भी करवाऊंगा तो भी शायद चलता है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके क्वेश्चन एज इट इज ही चलेंगे। लेकिन कईयों को इतना पसंद आता है कि वो लोग उस मेथड को छोड़ के इस मेथड से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पसंद करेंगे। क्या है इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक में हम यह मानते हैं कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास नहीं है, इस रूलिंग में एक्सिस सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो फिर क्या एक्सिस है, एक्सिस ये है बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो किसी ने पूछा कि सर बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्यों है, तो आंसर यह हुआ क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट खुद किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, और बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके अबाउट कैसे घूम रहे हैं, इन अ सर्कुलर मोशन, ये देखो सर्कल में घूमते जा रहे हैं, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं। फिर जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये डिस्क फिर यहां पर आ जाएगी, तो इसका एक्सिस फिर यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से मतलब हर पार्टिकल इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन को हमने कंसिडर नहीं किया और बॉडी के पार्टिकल्स इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, सिंपली रोटेट कर रहे हैं, यानी कि यू आर
considering your body as a case of a pure rotation. क्या ये step clear है? घूम तो टायर वैसे ही रहे जैसे घूमता है. आपने मन में assume करना है कि bottom most point के about टायर के सारे particle ऐसे घूम रहे हैं. Instead कि जैसे उसमें assume करते थे कि सारे particle center of mass के about घूम रहे हैं और साथ में translate भी कर रहे हैं. हमने उसमें ऐसे assume किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो यहाँ आपकी ब्रेन की सेटिंग की थी कि आपने ऐसे assume करना है translation and pure rotation. पर साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन के साथ साथ आपकी जो बॉडी है आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि एक्सिस बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास कर रहा है और बाकी पार्टिकल सिर्फ इसमें प्योर रोटेशन में है, ट्रांसलेशन मोशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है. ये आपकी मर्जी है, आप अपने मन में कैसे इमेजिन करते हो. ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को ऐसे ही करना है या मेरे को क्वेश्चन में ऐसे ही करना है. ये आपकी मर्जी होगी, आज के बाद जो आपको पसंद आएगा वैसे इमेजिन कर सकते हो. ठीक है यहाँ तक. मैं अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों रिजल्ट्स को एक बार क्लियर करता हूँ और दोनों रिजल्ट्स को मींस रोलिंग की ही प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम की थी उसको दो तरीके से करके दिखाता हूँ, एक बॉटम मोस्ट एक्सिस के साथ और दूसरा जो हमने मेथड वन किया हुआ है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि एक्सिस चाहे मैं सेंटर लूँ या मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम. ठीक, अच्छी बात है ये तो. क्यों? क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सिस क्या लें. अब कंफ्यूजन ही नहीं है, एक्सिस जहां मर्जी ले लो, चाहे सेंटर लो चाहे बॉटम लो, आपका आंसर हर हालत में सेम ही आ जाएगा. ठीक है यहां तक. पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्सिस चेंज करने से आंसर सेम कैसे आ सकता है. मैं आपको करके दिखाता हूं दो तीन एग्जाम्पल्स में, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ ये चीज क्लियर हो जाएगी. जैसे सपोज मैंने आपको समझाया कि कोई बॉडी प्योर रोलिंग के अंदर है और जब बॉडी रोलिंग के अंदर है तो लास्ट टाइम हमने इसको ऐसे डिस्कस किया था मेथड नंबर वन से कि प्योर रोलिंग के अंदर दिस इज अ केस ऑफ अ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन. ठीक, प्योर रोटेशन. तो ये वेलोसिटी वी थी, इस एंड की भी वी थी, इसकी भी वी है, इसकी भी वी है, इसकी भी वी है, हर एलिमेंट की वेलोसिटी वी थी. और प्योर रोटेशन में ये समझाया था कि ये क्या था, आर ओमेगा. ये वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा. ये वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा. ये वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा. और ये रेस्ट पे है. और फिर इन दोनों को जब ऐड किया हमने वेक्टर वाइज तो टॉप मोस्ट पॉइंट इज वी प्लस आर ओमेगा, बॉटम की वेलोसिटी जीरो, यहां की वेलोसिटी और आर ओमेगा का कॉम्बिनेशन अंडर रूट ऑफ मींस का वेक्टर सम आएगा, और ऐसी इसका वेक्टर सम आएगा वी एंड आर ओमेगा. और मैंने बताया था प्योर रोलिंग के केस में वी कैन बी रिटन एज आर ओमेगा, इस वजह से आप इसकी जगह वी पुट करते थे, इसकी जगह वी पुट करते थे, इसकी जगह वी, तो आपका आंसर क्या आता था, रूट टू वी, रूट टू वी, और यहां पर टू वी और ये जीरो. ये हमने किया. एक्सिस क्या मानना, सेंटर ऑफ मास. सही. अब एक काम करते हैं, हम मेथड टू लेते हैं. मेथड टू में हम ये अज्यूम करेंगे सेम बॉडी रोल कर रही है और इस केस में बॉडी पूरी तरह प्योर रोटेशन में ही अजम्पशन ली जाएगी. इस केस में मैं ट्रांसलेशन मोशन को क्या लेने वाला हूं, जीरो नहीं होगी. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट पी है जिसको मैंने एक्सिस माना. अच्छा ये बताओ बाकी सारे पार्टिकल इसके अबाउट सर्कुलर मोशन में है और बाकी सारे पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. हर पार्टिकल इसके अबाउट घूमेगा विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो ये बताओ कि अगर कोई पार्टिकल इससे 2r डिस्टेंस दूर है तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि 2r इनटू ओमेगा. अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये भी आर है, तो ये रूट टू आर है. और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है, तो अगर ये डिस्टेंस है इतनी दूरी पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा डिस्टेंस के ये तो जस्ट अजम्पशन है, कुछ नहीं है. ये डिस्टेंस है तो मान लो ये बॉडी इसके अबाउट सर्कल में घूम रही है तो यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल बनेगी,
इफ आई इसको सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट करेंगे, टेंजेंशियल ऐसे जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, रूट टू आर इंटू ओमेगा। एक बार फिर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी यहां से क्या आने वाला है, रूट टू आर, और इसकी वेलोसिटी इसके साथ क्या होने वाली है, टेंजेंशियल 90 डिग्री पे, तो आंसर क्या आएगा, रूट टू आर इंटू ओमेगा। ठीक है यहां तक? अब चेक कर सकते हो कि अगर मान लो आर ओमेगा को वी से रिप्रेजेंट करते हो, और हाँ इसकी इसका भी ले लेते हैं एक सेंटर, ये सेंटर इसका डिस्टेंस यहां से कितना है आर, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर तो ये वैल्यू क्या आएगी, आर ओमेगा, सेंटर टेंजेंशियल इधर जाएगा। ठीक है यहां तक? तो लेट अस सपोज ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई, टू टाइम्स वी, आर ओमेगा अगर वी है तो टू वी, ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ टू वी, ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ टू वी। तो आपका आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं आ गया जो वहां से आया था, आपका आंसर यही था ना कि इस पॉइंट की वेलोसिटी वी होती है, तो इसकी वेलोसिटी टू वी है, इसकी वेलोसिटी रूट टू वी है, इसकी वेलोसिटी रूट टू वी है। समझ में आ रहा है कैसे? तो इसके अंदर मैं ट्रांसलेशन मोशन तो ले ही नहीं रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर यानी कि रोटेशनल मोशन ले रहा हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को एक काम करना पड़ा, मेरे को एक्सेस को शिफ्ट करना पड़ा। मैं अपने एक्सेस को सेंटर ऑफ मास नहीं मान सकता, मैं अपने एक्सेस को ये मानूंगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस पूरे टॉपिक में से क्या निकल के आता है कि अगर आप अपने रोलिंग मोशन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो और आपने सेंटर ऑफ मास को अपना एक्सिस मान लिया, तो आपको आपके क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। फिर तो पहला मेथड लगाना है जैसे आप लगाते आए। लेकिन अगर आपने एक्सिस को बॉटम मोस्ट पॉइंट मान लिया, तो उस केस में ट्रांसलेशन नहीं लेना, हर पार्टिकल का डायरेक्ट डिस्टेंस यहां से ले लेना है और ये ज्यूम करना है कि बॉडी जो है वो प्योर रोटेशन में है। तो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगेगा वो ओनली रोटेशन का लगेगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा, इसके अबाउट नहीं आएगा। ये आपकी मर्जी है, इसका मतलब आप अपने क्वेश्चन को कैसे इमेजिन करते हो। जो लोग ये एक्सिस लेंगे वो फिर ट्रांसलेशन का कोई टॉपिक नहीं करेंगे, वो सिर्फ रोटेशन की ही बात करेंगे। नहीं तो अगर नहीं कंफर्टेबल हो फिर वो तरीका तो आपको आता ही है, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते ही हैं, एक बार सेंटर ऑफ मास पे, एक बार रोटेशन पे, फिर एंड कंबाइन कर देते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बट एक आइडिया पता लग गया आपको कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट एक्सेस लेते हो तो आप फिर ट्रांसलेशन मोशन नहीं लेंगे, फिर आप ये मानेंगे सारे पार्टिकल उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, इसी शीट में जो मैंने हैंड रिटन शीट दी आपको फोटोकॉपी, इसके अंदर पेज नंबर शायद 3 पे एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है, हाँ पेज नंबर 3 से पहले, काइनेटिक एनर्जी यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लिखा हुआ है, चेक करो, काइनेटिक एनर्जी यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इस टॉपिक के ऊपर ये थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी को समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ एक न्यूमेरिकल से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बॉडी गिवन है डिस्क, डिस्क डिस्क अगर रोल कर रही है विद ओमेगा और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, वी वेयर वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये सबको मालूम है, रेडियस आ रहा है, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप मुझे बताओगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही करते हो? ठीक, नेक्स्ट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, हाफ इंटू एम इंटू आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू, डिस्क के लिए आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। एनर्जी आ गई। आप कहोगे इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, इसका तो शॉर्टकट हमने बनाया हुआ है, वो क्या, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1+ के स्क्वायर बाय, ये भी ठीक है, इसका शॉर्टकट ये था, और इसको हम सीधा लिख सकते थे हाफ एम सेंटर ऑफ मास की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर 1+1/2
सॉल्व करोगे तो यही आएगा 3/4 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कर लो या ये कर लो, बात तो एक ही है, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं ये मेथड लगाता हूं तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लेना पड़ा, एक्सिस सेंटर ऑफ मास लेना पड़ा, तो मैं अपने इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करूंगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अंदर सेम डिस्क है पर मैं अपने एक्सिस को कहाँ मानूंगा, पी पॉइंट पे, और ये मानूंगा कि बॉडी पूरी की पूरी पी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक। तो ऐसे केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा उसमें ट्रांसलेशन तो होगी नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, रोटेशन होगी, क्योंकि इस केस में, इंस्टेंटेनियस के केस में हम क्या केस लेके चलते हैं, प्योर रोटेशन, कोई डाउट इसमें, प्योर रोटेशन। लेकिन याद रहे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पी पॉइंट के अबाउट लोगे, क्योंकि आपने अपना पॉइंट चेंज कर दिया, और पी पॉइंट पे, क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो पी पॉइंट पर निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा प्लस एम आर स्क्वायर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि इसके अबाउट तो हाफ एम आर स्क्वायर है, तो इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो पी पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहां पर पुट करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, आंसर आएगा 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सेम आ गया आंसर। कौन सा मेथड पसंद है, एक दो या तीन, थर्ड वाला, ये सबसे सारे ठीक है, ये तो बेस्ट ही है ये तो, क्योंकि ये तो यूज्ड हो चुके हैं ना इसके साथ। पहले दिन तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी अजीब लगता था, अब ठीक लगता है, तो ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सिस भी अजीब लगेगा, लेकिन ठीक है, बुरा नहीं है, एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। मतलब जो लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये कौन दो दो मोशन सोचेगा, पहले सेंटर ऑफ मास लगाओ, फिर घूमने की भी लगाओ, फिर कंबाइन करो, वो कुछ ना करें, अपने एक्सिस को बॉटम मोस्ट पॉइंट ले ले, काम खत्म, उनको फिर ट्रांसलेशन का एक इक्वेशन उनकी बंदी हो जाएगी और सीधा आपका आंसर रोटेशन से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड पसंद है, ये वाला। रीजन, क्योंकि आगे और रोलिंग की प्रॉब्लम्स है ना, एक्चुअली हम यूज टू लॉज ऑफ मोशन से हैं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर एफ फोर्स लगाओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, थोड़ा इजी लगता है उससे, बाकी मौका देख के किसी में वो भी कर सकते हैं। वैसे मैं एक्सेलर रोटेशन कम यूज़ करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम में यूज़ करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा ईजी लग रही है मुझे, अदरवाइज मैं नॉर्मल मेथड के साथ ही चलता हूँ। आपकी सारी बुक्स भी नॉर्मल मेथड के साथ ही चलती हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन बहुत कम बुक्स लगाती हैं, लेकिन जो लगाती हैं तो फिर लोगों को उनकी किताबें समझ में नहीं आती, वो पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, एक्सेस तो नहीं कहाँ ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सेस कहाँ लेना है, ठीक।
ठीक है, पॉइंट क्लियर है। एनर्जी का केस, अब जैसे अभी हमने, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेके। देखो, सपोज इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, लेट अस सपोज एक बॉडी रोल कर रही है, सेंटर ऑफ मास वी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेटिंग विद ओमेगा, बॉडी रोलिंग। और अगर मैं ये पूछूं कि इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, वेयर आई जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास है और वी सेंटर ऑफ मास क्या होता है आर ओमेगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, या एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आई प्लस एम आर स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, और पी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आई ऑफ क्या हो जाएगा यहां पर पी। तो इट मीन्स कि रोलिंग के अंदर जब एनर्जी निकालनी है, या तो आप दो अलग अलग केस करो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकलेगा, और अगर आप इसके अबाउट निकालते हो तो सीधा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ पी लो, आपका सीधा आंसर आएगा। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये तो ऑप्शनल टॉपिक हो गया, जैसे मर्जी लें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा ईजी भी होंगे, और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही कॉम्पिटिशन में आ जाता है। ये स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आएगा टॉपिक, आज का लेक्चर बिल्कुल भी स्कूल के लिए नहीं पढ़ना। तो ये जो टॉपिक है ये सीधा ही आ जाता है, और आपको ढूंढना होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपकी जो बुक्स हैं और जो पेपर्स हैं उसके अंदर पूरा नाम नहीं लिखा होगा, आई ओ आर लिखा होगा। तो लिख लो शीट के ऊपर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जगह आई ओ आर, तो कहीं पता लगे आपको कि आई ओ आर क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो फर्स्ट पेज पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आई ओ आर, फर्स्ट पेज पे वी कंसिडर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। हमने डिस्कस किया कि किसी बॉडी की जो मोशन है वो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के बराबर होती है। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट सेम मोशन एज वन ऑफ द प्योर रोटेशन अबाउट अ सर्टन एक्सिस। तो हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट पेज पे ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी की मोशन कैसे लें, सिर्फ प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इन जनरल दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड इन स्पेस एंड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर इंस्टेंट पर इसकी जो पोजिशन है वो क्या होती जाएगी, चेंज, पर उस इंस्टेंट के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। तो यानी कि अगर प्योर रोटेशन की फॉर्म में हम अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेके करेंगे। और ये थ्योरी जो मेथड नंबर वन है वो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, जो मेथड नंबर टू है वो मैंने आपको बता दिया इसका, और पेज नंबर जो थ्री है जिसपे टू नंबरिंग लिखी हुई है, लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी, लोकेशन कैसे ढूंढते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। जैसे रोलिंग के केस में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है, ऐसे होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि मान लो आपके पास एक वेलोसिटी किसी ने दी थी 2v, जैसे ये रही 2v, लेट अस सपोज यहां पर वेलोसिटी रूट 2v, यहां की वेलोसिटी रूट 2v, और आपको क्या ढूंढना है, और हाँ यहां की वेलोसिटी लेट अस सपोज v, वही रोलिंग का केस कह रहा हूं मैं। लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, मैंने ये नहीं बताया आपको, बस मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया और आपसे ये बोला कि फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो तरीका ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का कि आप जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं आप सिंपली क्या करेंगे, उससे एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर, जहां ये तीनों मिलेंगे वही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और अब ये बोलेंगे कि पी पॉइंट के अबाउट पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं ना, सर्कल रोटेशन मोशन में,
जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि पी पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन है, लेकिन अगर ना बताता और आपसे वैसे पूछा जाता तो आप क्या करेंगे, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे वो आपका एक्सल रोटेशन होगा। ये तरीका है निकालने का, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है इफ लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन इज अननोन, मान लो मुझे नहीं पता आई ओ आर कहां पे है, इट मे बी डिटरमाइंड यूजिंग द फैक्ट दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन टू अ पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। तो जो भी आप पॉइंट ड्रॉ करोगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस से वो वेलोसिटी के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 ही बनाएगी। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका आई ओ आर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे एग्जाम्पल गिवन है इस पेज पे कि ए रॉड है, देयर इज अ रॉड, आप डायग्राम देख सकते हो इसमें एक रॉड है, इस रॉड के दो पॉइंट्स हैं, एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, ठीक। और लेट अस सपोज ये घूम रही है सच दैट यहां की वेलोसिटी वी ऑफ बी है और यहां की वेलोसिटी वी ऑफ ए है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, जो वेलोसिटी वी ऑफ बी और वी ऑफ ए है किसी भी इंस्टेंट पर गिवन है, और लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, आपको क्या ढूंढना है, वेयर इज द आई ओ आर, इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन कहां पे है। इसके लिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, जहां पे ये मिलेंगे ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप ये मानेंगे इसमें रॉड का आप कोई लेना देना नहीं, आप अपने मन में ये मानेंगे कि ये ए पार्टिकल मूव कर रहा है इसके, इसको एक्सिस मानते हुए सर्कल में, सिमिलरली बी पार्टिकल भी मूव कर रहा है, बी पार्टिकल भी मूव कर रहा है इसको एक्सिस मानते हुए सर्कल में, लेकिन इसका और इसका डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन ओमेगा इन दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम होगा। ये याद रहे आई ओ आर में जो भी पार्टिकल घूमेंगे इसके आसपास उसका ओमेगा क्या रखा जाएगा, सेम, लेकिन वी सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, वी इज आर ओमेगा, अगर आर डिफरेंट है दोनों का तो वी की वैल्यू भी दोनों की डिफरेंट ही आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो अपने माइंड में ऐसी पिक्चर बनानी है जो मैंने यहां ड्रॉ की है, कोई डाउट इसमें, तो इसमें अब लैडर का कोई काम नहीं है, ठीक है यहां तक, ठीक। तो आई ओ आर कैसे ढूंढना है समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन ढूंढने के लिए वेलोसिटी वेक्टर ढूंढें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जहां वो मिलेंगे वो आपका आई ओ आर होगा, बस ये क्वेश्चन है। तो आज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें कोई फिगर बनी होगी और पूछेगा कि आई ओ आर ढूंढ के बताओ, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर के साथ, जहां मीट करेंगे वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन होगा, कोई डाउट इसमें। इसी के बेस पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस शीट में कि सपोज, लेट अस सपोज आपके पास ये एक केस है, ये एक रॉड है, दिस इज रॉड, इस रॉड की एक वेलोसिटी आपको गिवन है, इस रॉड की एक वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, वी वन, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ कितना 60, और इसकी ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है कितनी v2, और मुझे v2 इस क्वेश्चन में निकालना है, और मुझे लेंथ पता है रॉड की कितनी है l, ठीक है यहां तक। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के अगेन दो तरीके हैं, एक तो आई ओ आर से, आज आपको पता लग जाएगा कि रॉड के अगर दो अलग अलग वेलोसिटीज गिवन हो तो वो क्वेश्चन पक्का ही आई ओ आर से सॉल्व होगा, अभी आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा। नहीं करना चाहते तो वैसे भी हो जाएगा, हमने लॉज ऑफ मोशन में ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि टेंशन, एक स्ट्रिंग अगर टेढ़ी है पुली के साथ तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी की वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम, हम वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिया करते थे स्ट्रिंग के अलॉन्ग और उनकी वैल्यू को सेम कर देते। फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं एक कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का इसके अलॉन्ग ले लूं और इसका एक कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग ले लूं तो वो कॉम्पोनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम रहेगी, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इसमें आपको पहले एंगल ढूंढना है फिर एंगल ढूंढ के कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, मुश्किल नहीं है वो भी इजी है, पर आई ओ आर इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। कैसे, जब भी एक रॉड गिवन हो और उसके एंड की दो अलग अलग वेलोसिटीज गिवन हो, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी अलग अलग वेलोसिटीज थी तो हमने क्या ढूंढा था, आई ओ आर। ढूंढने का तरीका, इसके ऊपर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी वेक्टर को लेके ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ
रोटेशन. कोई डाउट है इसमें? तो ये आपके पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. हाँ जी, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, आगे. तो ये आपके पास इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया. अब आपने क्या करना है, अगर ये एल है और लेट अस सपोज अगर ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है. तो अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा, और सॉल्व करके इस ट्राइंगल से ये क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा. तो एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा. कोई डाउट इसमें? ठीक, यहां तक. अब एक चीज देखो, इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करते हैं कि लेट अस सपोज ये वेलोसिटी कितनी है, v2. v2 का डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, l cos थीटा. और उसी तरीके से यहां पे एक वेलोसिटी है कितनी, v1, जिसकी वैल्यू कितनी है, l sin थीटा. ठीक, रॉड को छोड़ो, आपको बेसिक डायग्राम समझ में आ गया कि आपने एज्यूम करना है कि इसको एक्सिस मानते हुए v1 इसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है, और इसको एक्सिस मानते हुए v2 इसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है. दोनों का साइज डिफरेंट है, वो अलग बात है. ठीक, तो v1 कितने रेडियस में घूम रहा है, l साइन थीटा, और v2 कितने रेडियस में घूम रहा है, l कॉस थीटा. क्या पॉइंट क्लियर है? और मैंने आपको बताया हमेशा कि IOR के अबाउट ओमेगा की वैल्यू दोनों के लिए एग्जैक्टली क्या रखनी होती है, सेम. और मुझे पता है v क्या होता है, r ओमेगा, कितने रेडियस में घूम रहे हैं, l साइन थीटा, तो l साइन थीटा इंटू ओमेगा. और v2 कितने रेडियस में घूम रहे हैं, l cos थीटा, तो l cos थीटा इंटू कितना, ओमेगा. तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, और यहां से v इज इक्वल टू r ओमेगा. तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, v1 डिवाइडेड बाई l साइन थीटा. यहां से ओमेगा की कितनी वैल्यू आ गई, v2 डिवाइडेड बाई l cos थीटा. पर ओमेगा तो सेम है, तो इसका मतलब v1 डिवाइडेड बाई l इंटू साइन थीटा, v2 डिवाइडेड बाई l इंटू cos थीटा, ये सेम हो जाएगा. l और l कैंसिल. v1 की वैल्यू कितनी है इसमें, 5, साइन ऑफ कितना, 60 डिग्री. v2 हमने निकालना है, cos ऑफ कितना, 60 डिग्री. सॉल्व करके v2 आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है? तो अगर रॉड के दो एंड्स गिवन हो, दो एंड की वेलोसिटीज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे और डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो, उनका रिलेशन निकालना हो, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, उसका IOR. IOR निकल गया. उसके बाद v2 बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 बाय दिस डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी इनमें, सेम. ठीक, देखो मैंने इसको ट्राई किया करने के लिए मेथड नंबर 1 से. अगर आप IOR नहीं ढूंढना चाहते, मेथड नंबर अगर आपको IOR नहीं पसंद तो छोड़ दो. आप ऐसा कर लो, आप इस रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लो. तो जैसे मान लो ये कितने है, v1 है, ये थीटा, तो ये क्या आ गया, v cos थीटा. ये कितने है, v2 है. अगर ये v2 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा, तो ये भी कितने है, थीटा. थीटा और थीटा वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा. तो v2 का एक कंपोनेंट आ गया कॉस के अलोंग, v2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और सॉरी ये वाला v2 कॉस 90 माइनस थीटा. अगर ये v2 है तो इसके अलोंग कितना, v2 कॉस 90 माइनस थीटा. और मुझे पता है कि इस रॉड के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम. इक्वेट कर दिया, ये साइन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आ गया, सर्कुलर का हो गया, फोर्स का हो गया, जिसका भी हो गया. आपको अगर IOR नहीं मिलता,
तो पहला मेथड मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो वेलोसिटी के कंपोनेंट तो ढूंढ ही लोगे ज्योमेट्री लगा के, उनको इक्वेट कराना। और अगर पता लग गया कि ये तो वही लेक्चर है जिसमें रॉड के दो एंड की वेलोसिटीज गिवन होती थी, उसमें हम आई ओ आर ढूंढते थे, तो फिर तो समझो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा ठीक। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको आई ओ आर लगाना ही पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 3 लिखा हुआ है मैंने अपने हैंड रिटन शीट में, उसको एक बार देखते हैं। पेज नंबर 3 और 3 के ऊपर देखो, इसमें हमने क्या करना है कि सपोज आपके पास एक रॉड है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। लेट अस सपोज दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड है, और मान लो ये एक पॉइंट Q है और ये एक पॉइंट T है। P की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ P इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड Q की वेलोसिटी, यहां पर Q की वेलोसिटी V ऑफ Q इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि दो रॉड की वेलोसिटीज जो एंड्स हैं उनकी वेलोसिटीज अगर डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो क्वेश्चन आई ओ आर का बनने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है ये, रॉड के एंड के लॉन्ग वेलोसिटीज गिवन हो तो आई ओ आर से जल्दी सॉल्व होता है। कैसे? तो ये वेलोसिटीज गिवन है और आपको लेंथ ऑफ द रॉड भी गिवन है, इसमें एल जो कि कितना है 0.5 मीटर। आपको इसमें निकालना है ओमेगा की वैल्यू इसकी क्या होगी रॉड, जब ये रॉड घूमेगी, फाइंड ओमेगा ठीक। रूल नंबर 1, जब वेलोसिटीज का क्वेश्चन इस टाइप का गिवन हो तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आई ओ आर इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट इसका क्या आ गया, आई ओ आर। कोई डाउट इसमें? ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक आई ओ आर ढूंढ लिया। इसके अबाउट अब रॉड का मुझे कुछ चाहिए नहीं वैसे, बिकॉज मेरे को तो वेलोसिटी चाहिए होती है। रॉड के अबाउट दोनों वेलोसिटीज का ओमेगा विल बी से, मतलब मैं ये मानूंगा कि ये वेलोसिटी वेक्टर इसको एक्सिस मानते हुए सर्कल में घूम रही है और ये वेलोसिटी वेक्टर इसको मानते हुए सर्कल में घूम रहा है, और कैसे, इस डायरेक्शन में। और ओमेगा क्योंकि सेम है, ओमेगा क्या होगा, यहां से लेट अस सपोज ये डिस्टेंस एक्स है और लेट अस सपोज ये डिस्टेंस वाई है, तो यहां से वेलोसिटी, क्योंकि वी क्या होता है, वी ऑफ क्यू, वी ऑफ क्यू कितना है 3, 3 इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, और आर कितना है इसका, इस एक्सिस से एक्स। अब आर जो डिस्टेंस लेना होता है वो अपने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, कहां से, आई ओ आर से। तो वी डिवाइडेड बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई एक्स, तो इट मींस ओमेगा की वैल्यू इनके लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू यहां से 4 डिवाइडेड बाई वाई। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया ठीक यहां तक। और दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल की वैल्यू 0.5 आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल एज वाई। अगर एक्स आ गया यहां पुट कर दोगे ओमेगा आ गया, या वाई आ गया यहां पुट करोगे तो भी ओमेगा, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, ईजी है ओमेगा। आई ओ आर इतना बुरा नहीं है, आई ओ आर सही है, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा, वेलोसिटीज और ओमेगा के रिलेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे इसमें। बस ये याद रखना कि जो भी वेलोसिटीज आसपास घूमेंगी आई ओ आर के, उनका ओमेगा हमेशा सेम होगा ठीक। कोई डाउट इसमें?
इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है नेक्स्ट, और शॉर्टकट भी नहीं है। शॉर्टकट इसलिए नहीं है अगली प्रॉब्लम में क्योंकि आपको ढूंढना ही आयो आ रहा है, वेयर इज द पोजिशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब शॉर्टकट क्या लगाओगे, आपको ये टॉपिक तो आना ही चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये है कि लेट अस सपोज देयर इज अ रॉड, ये देखो ये आपके पास एक रॉड है, मेरे को एक चीज का आंसर दो। और प्लीज आज के लेक्चर को ध्यान में ना रखते हुए, जस्ट अपनी कॉमन सेंस और जितना हमने पुराना किया उसको माइंड में रखते हुए, कि अगर ये रॉड या स्टिक मूव कर रही है सच दैट इस एंड की वेलोसिटी वी है और इस एंड की वेलोसिटी वी है, तो बताओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो एंड ऊपर से वेलोसिटी सेम है ऊपर और नीचे की, तो ऑब्वियसली इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन और आज तक ऐसा ही हुआ है, हमने हर दोनों एंड्स की वेलोसिटी हमेशा ही सेम ली है, कैसे एक्सप्लेन, कैसे अलग कैसे होगा फिर, अगर आप इस एंड से ले रहे हो या उस एंड से ले रहे हो, सिमेट्री नहीं है बिल्कुल फिगर में, सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है तो सेंटर भी पास करेगा एक्सिस। अगर यार अगर यहां से एक्सिस पास कर रहे हैं तो यहां की वेलोसिटी जीरो हो गई, यहां से कर रहा है यहां कर रहा है, नहीं हो सकता, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर बढ़ गया आर कम हो गया, आर कम या ज्यादा हो गया, सही है ना। देखो ना मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, सेम, और इसमें ये अगर लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली सेम है तो बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये आंसर आएगा। इसका मतलब जिन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ मास मेरा एक्सिस होगा, ठीक कहा, क्योंकि ओमेगा अगर सेम करना है और v की वैल्यू भी सेम है तो l r1 r2 की वैल्यू भी सेम होगी तभी बात बनेगी। लेकिन मैंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये मैंने v1 कर दिया और ये मैंने v2 कर दिया, तो अब अगर कोई ये कहेगा कि मेरा एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास होगा, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि v1 v2 डिफरेंट हो गया लेकिन ओमेगा तो सेम है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में r डिफरेंट होगा, ओमेगा तो सेम है तभी तो v डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब एक्सिस अब सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं करता, ठीक है। कहां से करेगा मालूम नहीं, कहीं से करेगा, लेट अस सपोज यहां से करेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ या सिंपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि सेंटर में कब पास करता है, सेंटर में तब पास करता है जब दोनों एंड्स की वेलोसिटी एकदम इक्वल एंड ऑपोजिट होती है और वैल्यू भी दोनों की सेम होती है। लेकिन अगर वैल्यू डिफरेंट है किसी न्यूमेरिकल में v1 v2, तो उस केस में लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितना है l माइनस x। ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक, तो डिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया इसमें। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आईओआर ऊपर ही क्यों लिया, आईओआर यहां भी तो हो सकता था सच दैट ये x है और ये l माइनस x है, बिल्कुल हो सकता था। मेरे को कैसे पता लगेगा कि आईओआर सेंटर ऑफ मास से ऊपर होगा या नीचे होगा, उसके लिए मेरे को आपको वेलोसिटीज की वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे बताएगा अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है और ये वेलोसिटी की वैल्यू v2 2 मीटर पर सेकंड है, तो बोलो आईओआर सेंटर ऑफ मास के नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा। कैसे डिसाइड करते हो, क्योंकि आईओआर मान लो यहां पर मैं इनके कहने पर मान लेता हूं, मेरे को एक चीज पता है कि आईओआर के अबाउट ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक। ओमेगा जैसे मान लो ये डिस्टेंस कितना है r1 और ये डिस्टेंस कितना है r2, तो मुझे पता है कि ओमेगा की वैल्यू v1 के हिसाब से क्या बनेगी, r1, और v2 के हिसाब से r2, ऐसे होगी, सही यहां तक। अब मुझे एक चीज बताओ कि जिसकी वेलोसिटी बड़ी है उसका r भी ऑब्वियसली बड़ा होगा और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका आर भी कम होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो को क्या रखनी है, सेम। अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा, ये छोटा है तो ये भी छोटा, ताकि डिवाइड करने के बाद इनका आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाए। तो समझ में आ रहा है, तो आईओआर हमेशा वहां मिलेगा
जहां वेलोसिटी की वैल्यू आपको कम मिलेगी उसी तरफ होगा, ज्यादा से दूर होगा। अगर वेलोसिटी बड़ी है तो दूर होगा, छोटी है तो उसके पास होगा। पर इस केस में मैंने बताया ही नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, जहां मर्जी ले लो। अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैंने वेलोसिटी की वैल्यू तो बताई नहीं, तो आप कहीं भी ले सकते हो। तो लेट अस सपोज आपने कितने डिस्टेंस पे लिया, आपने इसे एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, लेकिन आपको यह पता है कि इसके अबाउट जब रोटेशन होगा, आपने रॉड को तो भूल ही जाना है, आपने ये सोचना है कि ये एंड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी अपने सेंटर को ये मानते हुए, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एक्स, एंड वी टू इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एल माइनस एक्स, एंड ओमेगा की वैल्यू बोलो ऊपर से क्या होगी, वी वन डिवाइडेड बाई एक्स, और नीचे से क्या होगी, वी टू डिवाइडेड बाई एल। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स आ जाएगा, यू विल फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है कि कैसे पोजिशन निकलेगी, कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना आपने, कहीं भी ले लेना है एक्स और एल माइनस एक्स, तो दिस वेलोसिटी बाय दिस डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय दिस डिस्टेंस रेशियो विल रिमेन सेम। बस एक ही फंडा यार, ओमेगा सेम रहेगा, बस बात होगी खत्म। तो फिर एक क्वेश्चन दूं, निकाल लो आंसर। अंदर ही होगा, मैं बताता हूँ एक मिनट। वेलोसिटी सेम अगर ना हुई तो ये क्वेश्चन है, अगर सेम हुई फिर सेंटर ऑफ मास है। मैंने एक केस लिया सेम हुई सेंटर ऑफ मास है, अगर सेम नहीं हुई ढूंढना पड़ेगा। तीसरा केस भी है इसका, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी वेलोसिटी का एंड 10 मीटर पर सेकेंड एंड इस वेलोसिटी का एंड 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, और दिस लेंथ इज 5 मीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ आई ओ आर। होगा, कोई बात नहीं, इंस्टेंट है ना वो, तो होगा। मिड पॉइंट पे नहीं हो सकता यार, मिड पॉइंट पे तब होता है जब इधर और इधर वेलोसिटी सेम होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, वो तो केस हो गया। हमने एज्यूम करना है, हमने ये नहीं देखना बॉडी कैसी है, हमने ये देखना है इस इंस्टेंट पर हम एज्यूम कर लेंगे इट इज मूविंग इन अ सर्कल एंड वी एज्यूम दैट दिस वेलोसिटीज आर टेंजेंशियल वेलोसिटीज। तो ये ना वो कह रहे कि ये तो ट्रांसलेशन मोशन में होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको स्लो खींचते हो, इसको तेज खींचते हो, अल्टीमेटली ये टेढ़ा हो जाएगा, रोटेशन मोशन तो होगी। बोलो आई और कहां लाई करेगा, नीचे की ऊपर, नीचे आई ओ आर ऊपर हो ही नहीं सकता, आई ओ आर इसमें नीचे होगा यहां पे, वो क्यों? देखो इनकी डायरेक्शन सेम है, अगर आप इसका सर्कल ड्रॉ करोगे ये मानते हुए कि इसका इसका एक्सिस है, सर्कल ऐसे बनेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे बनेगी और इसका सर्कल ऐसे बनेगा, तो ऑब्वियसली आई ओ आर तो नीचे ही बनेगा ना, ऊपर कैसे बन सकता है। हाँ कोई ये कहे कि सर यहां बन सकता है, हाँ ये हो सकता है, फिर वो ये सोचेंगे कि ये सर्कल ऐसे घूमेगा, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि इसका क्योंकि इसकी वेलोसिटी बड़ी है, तो अगर आप इसको ऐसे खींचते हो कि इसकी वेलोसिटी बड़ी इसकी छोटी, तो ये पेन नीचे ही आएगा, ये ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर के एंड की वेलोसिटी बड़ी है ना, इसको तेज खींचोगे तो ऐसे मुड़ेगा, तो यानी कि इसकी रोटेशन ऐसे ही होने वाली है, तो आई ओ आर नीचे बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सर्कल नहीं ड्रॉ करना, वो तो समझाने के लिए था, बट ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि आई ओ आर कैसे बनेगा। ठीक, तो अगर ये एक्स है तो ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी इनकी, सेम, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स, और वहां से क्या होगी 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स आ गया। कैसे देखा नीचे, देखो पहले ये डिसाइड करो इसकी वेलोसिटी बड़ी है इसकी छोटी है, तो इसकी रोटेशन ऐसे होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इमेजिन करो कि मैं आपको ये बोलता हूं कि दो पार्टिकल्स हैं या कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, इट इज मूविंग इन अ सर्कल। आप कहोगे सर्कल कहां, ये किसी भी इंस्टेंट पर मैंने उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखाई है आपको। अब सर्कल बनाने के लिए आप ऑब्वियसली सर्कल या तो ऐसे बनाओगे या ऊपर बनाओगे, लेकिन आपको पता है कि अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ऐसे ही बनाओगे ना,
और ऐसी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक और वेलोसिटी है तो इसका सर्कल ऐसे बनाओगे, तो इन दोनों के सेंटर कहाँ नीचे रखोगे ना, ऊपर क्यों रखोगे? अगर ये दोनों अपने अपने सर्कल में ऐसे घूमेंगी तो इनका सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है? ये सर्कल ऐसे बनेगा तो सेंटर नीचे, ये सर्कल भी ऐसे बनेगा सेंटर नीचे, इसकी वेलोसिटी इससे बड़ी है ना तो नीचे बनेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर? मतलब इन शॉर्ट तीन ही केस बनने वाले हैं। पहला, आपको एक रॉड गिवन होगी, वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, मतलब अनइक्वल एंड ऑपोजिट हो सकती है। तो IOR कहीं पर भी इनके बीच में लाई करेगा और जहां छोटी वेलोसिटी है उसके पास लाई करेगा। दूसरा केस, अगर मान लो वेलोसिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम है तो IOR एग्जैक्टली इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तीसरा, अगर सपोज करो ये रॉड है और इसकी वेलोसिटी एक बड़ी है एक छोटी है, तो इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी अल्टीमेटली, और IOR कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा। ठीक? कोई डाउट है इसमें? ये इंटरेस्टिंग है, बस खत्म हो गया, बाकी शीट में आप खुद ट्राई करना, बट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो टॉपिक करें क्लोज IOR का।